सत श्री अकाल जी सारयां नूं। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो तुहाडे पंजाबी दी लैक्चर स्वागत करती हूँ जी तुहाडा अज दी साडी इस पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास दे विच। असीं अज इत्थे बी ए फस्ट ईयर दी पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास लैके हाजिर होए हां। बी ए फस्ट ईयर दी पंजाबी दी ऑनलाइन क्लास जिहड़ी साडी चल रही है जी, उहदे विच जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि असी तुहाडी शब्द सवेरा जिहड़ी बुक आ शब्द सवेरा बुक दी शुरुआत जिहड़ी आ उह कीती हुई है। शब्द सवेरा जिहड़ी साडी बुक है उहदे विच पहले कवि शब्द सवेरा दे पहले कवि शेख फरी जी दे जिहड़े शब्द आ दो शब्द साडी जिहड़ी बुक विच दित्ते गए आ। शेख फरी जी दे दो शब्द 40 श्लोक साडी जिहड़ी बुक आ उहदे विच दित्ते गए आ ते असी उहनां दो शब्दां दी प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी आ उह तुहाडी कर चुके हां जी। दो शब्दां दी प्रसंग सहित व्याख्या करन तों बाद जिहड़ी साडी कल दी क्लास सी उहदे विच असीं शुरू कीते होए सी शेख फरी जी दे श्लोक। पहला श्लोक जिहड़ा सी असी कीता सी जी जिंद को समझाए, जिहदे विच फरी जी ने नाशवंता दा जिक्र करदे होए दस्या सी कि एक तेरा जिहड़ा मौत दा दिन है वह पहला तो ही निश्चित कर दिता गया है। एक दिन मौत दा फरिश्ता जिहड़ा आवेगा ते तेरी जिहड़ी आत्मा वित्त विचों जिंद रूपी वोटी नूं कट के लै जाएगा ते जिहड़ा अखीर ते तेरा जिहड़ा शरीर है वह मिट्टी की ढेरी हो जाएगा। उस तो बाद जिहड़े असी श्लोक सीगे शेख फरी जी दे होर जिहड़े श्लोक सी असी कीते जिन्हां दे विच उहनां ने जिहड़ा है निम्रता धारण करन दी गल कीती है। फिर उस तो बाद जिहड़ा फरीदा जो तै मार मनुखियां तिन्हां ना मारे कोम आप नड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चूम, निम्रता दे नाल जिहड़ा जीवन आ उसनूं बतीत करन दी जिहड़ी गल फरी जी ने कीती सी। पहला श्लोक जिहड़ा सीगा कि फरीदा जे जाणिया तिल थोड़े संभल बुक भरी, कहिंदे जेकर तैनूं पता है कि तेरे कोल स्वासा रूपी जिहड़े तिल आ उह बहुत घट हन तां तैनूं इन्हां दी संभाल के जिहड़ा इन्हां नूं इन्हां दे खर्च करना चाहीदा है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा है एक दिन इह शरीर ने नाश हो जाणा है ते जिहड़ा साडा जिहड़ा शरीर आ उह मिट्टी दी ढेरी जिहड़ा हो जाएगा। फिर जिहड़ा है फरीद जी ने जिहड़ा कहा सी कि फरीदा जे तू अकल लतीफ है काले लिख न लेख अपने ने गिरीवान में सिर नीवा कर देख। इहदे विच जिहड़ा सीगा कि सानूं दूसरियां दी निंदा जिहड़ी नहीं करनी चाहीदी, दूसरियां दी बुराई नहीं करनी चाहीदी, दूसरियां दी बुराई करन तों पहलां सानूं अपनी जिहड़ी हैगी आ अंदर झात मार लैणी चाहीदी है। पहला श्लोक जिहड़ा असीं कीता सीगा कि फरीदा जे जाणिया तिल थोड़े संभल बुक भरी, जे जाणा सोह नडड़ा थोड़ा माण करी। फिर फरीदा जे तू अकल लतीफ है काले लिख न लेख आपनड़े गिरीबान में सिर नीवा कर वेख। फिर इस तरह फरीदा जो तै मार मुखियां तिन्हां ना मारे घुम आपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम, निम्रता धारण करन दी गल कीती। फिर उस तो बाद जिहड़ा सीगा चौथा श्लोक सी कल जिहड़ी क्लास विच जिहड़ा कीता सीगा उहने उहदे विच उहनां ने कहा सीगा कि जेकर तैनूं पता है कि जिहड़ी तेरी दाढ़ी है उह चिट्टी हो चुकी है ते भूरी हो चुकी है भाव तेरी जिहड़ी उम्र आ उह अगे निकल चुकी है ते फिर तेरा जिहड़ा जन्म दा जिहड़ा पासा सी उह पिछे रह गया है ते तैनूं हुण जिहड़ा संभल जाणा चाहीदा है ते उस परमात्मा दा नाम समां रहिंदे होए सिमरन कर लैणा चाहीदा है। सो उस तो बाद असीं अगले श्लोकां वल चलांगे जी। अगले श्लोक विच फरीद जी जिहड़े हैगे आ उह की कहिण दी कोशिश कर रहे आ। चलदे आ साडे अगले श्लोक दे विच, नाल नाल आपां ब्लैक बोर्ड ते लिखांगे ते नाल नाल ही इस नूं समझण दी जिहड़ी आ कोशिश भी करांगे। गल की सीगी फरीदा देख फरीदा जी थियां, देख फरीदा
जीतिया दाढ़ी होई पूर अक्का नेड़े आया पिछा रह गया दूर। कल की जी सी साड़ी इतने का असं किता सी, अज चलते हैं जी अगे अगे प्रिंस जी की कहते हैं, फरीदा देख फरीदा देख फरीदा देख फरीदा जी थिया जी थिया शक्कर होई विश शक्कर होई विश देख फरीदा जी थिया शक्कर होई विश साईं बाजो अपनी साईं बाजो आपने वेदन कहिए किस वेदन कहिए किस। हाँ जी की कह रहे हैं फरीदी इस योग विच, फरीदी कहते देख फरीदा जी थिया शक्कर होई विश हुण बुढ़ेपे की अवस्था के बारे में सानू जिहड़ा ज्ञान दिंदे आ, इत्थे बुढ़ेपे की हालत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुख जदों तेरे ते जवानी सी तू नाम रूपी वेड़ा तैयार नहीं किया ते हुण तेरे ते बुढ़ेपा आ चुकिया है ते तेरा जिहड़ा नाम सिमरन का समा सी वह लंघ चुकया है, हुण तेरे कोलों जिहड़ी भगती आ वह नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हुण तेरे शरीर ने तेरा साथ छड्ड दिता है, हुण ज़्यादा समा ना तो तू बैठ पाना है ना ज़्यादा समा तू तुर पाना है, हुण तेरी अवस्था बुढ़ेपे वाली हो चुकी है, हुण जिहड़ा मन है वह टिक भी नहीं रहा। सो कहते हुण जिहड़ी अवस्था है इस अवस्था दे विच पहुँच के तेनू जिहड़े दुनियावी पदार्थ सी जिहड़े कि तेनू चंगे लगदे सी हुण उही दुनियावी पदार्थ तेनू चंगे लगणों हट चुके हन, हुण दुनियावी पदार्थां दे विच परिवर्तन आ चुका है, उहनां दा स्वाद तेनू हुण बदल तेरे लई बदल चुका है। सो इस तरह जिस तरह हुण दुनियावी पदार्थों का स्वाद तेरे लिए बदल चुकिया है उस तरह ही हुण भगती जिहड़ा करन विच भी तेनों कई औखियाइयां आ रही हैं। सो तेनों चाहिदा है कि तू परमात्मा का ना समारण दे सिमरदा ते हुण भी जे तू हो सके परमात्मा के नाम का सिमरन कर तां ही तू इस संसार समुंदर तो इस संसार रूपी भव सागर तो पार निकल सकेगा। सो ये जी बुढ़ेपे की अवस्था की दसते हैं फिर कहते देख फरीदा जी थिया शक्कर होई विश, कहते हुण फरीदा तेरी हालत बुढ़ेपे की हो चुकी है ते इस समय तेरे लिए संसारिक पदार्थों का स्वाद शक्कर का जिहड़ा स्वाद है शक्कर जिहड़ी हमेशा मिठी हुंदी है वह हुण तेरे लई शक्कर जिहड़ी आ उह विश दा काम करन लग पई है, हुण तेरे लई जहर दा काम कर रही है, हुण तेरे लई शक्कर दा स्वाद बदल चुका है। क्यों? क्योंकि बुढ़ेपे तक पहुँचते पहुँचते कई तरह के जिहड़े रोग आ उह शरीर नूं लगने शुरू हो जाते हैं। सो हुण तेरे दे लई शक्कर जिहड़ी आ उह जहर दे स्वाद विच बदल चुकी है, उसका स्वाद हुण तेरे लई जहरीला हो चुका है। साईं बाजों अपने वेदन कहिए केस, फिर कहिंदे जदों बुढ़ेपे की अवस्था आउंदी है तां फिर कहिंदे कई वार साख संबंधी भी जिहड़ा साडे गल सुनों हट जांदे हन। ज़्यादातर आप यही देखते हैं कि बुढ़ेपे के विच जेकर साडा कोई दादी जां साडा दादी दादा बुढ़ेपे की अवस्था में हो तो वह सानू कुछ भी कहिंदे आ तां असीं नॉर्मली आ कि उन्हां दी गल नूं अणदेखिया ही करके चले जाने आ जबकि अजिहा नहीं करना चाहिए। सो वह इस गल नूं इत्थे फ्रीजी ने भी साडे सामने रख्या है
के हुण जिहड़ी तेरी अवस्था है वह बुढ़ेपे की हो चुकी है ते हुण जिहड़ा आ लोकां ने तेरी गल सुननी भी घट कर दिती है हुण तेरा हाल कोई पुछण वाला भी नहीं है ते हुण तेरा ते सिर्फ इको ही एक जिहड़ा जिहड़ा तेरे रोगां नूं दूर करन वाला तेरा हाल सुनन वाला इको ही एक परमात्मा ही रह गया है। हुण तू अपना जिहड़ा हाल है वह सिर्फ एक परमात्मा नूं ही दस सकता है। कहिंदे परमात्मा तो बिना हुण कोई भी जिहड़ा है वह मेरी हालत नूं मेरे हाल जिहड़ा मेरा दुख दर्द आ उस नूं सुनन वाला नहीं रह गया। सो हुण परमेश्वर जी कहिंदा कि तैनूं जिहड़ा समां रहिंदे होए भगती कर लैणी चाहीदी है तां जो तेरा जिहड़ा परमात्मा दे नाल मिलाप जिहड़ा मिलना आ बहुत सौखा हो जाए। चलते हैं जी अगले श्लोक के वल के अगले श्लोक के विच किस दी गल जिहड़ा है शेख प्रेम जी करन जा रहे हैं। कहिंदे फरीदा अखी देख पतीनिया अखी देख पतीनिया अखी देख पतीनिया सुन सुन रहने कान अखी देख फरीदा अखी देख पतीनिया सुन रीने कान रीने कान कहते साख पकेंदी आया साख पकेंदी आया होर करेंदी बल होर करेंदी बल होर करेंदी बल। हाँ जी अगे फिर जिहड़ा शेखपुरी जी की कह रहे हैं कहिंदे हुण जिहड़े हैगे आ बुढ़ेपे की अवस्था नूं अगे वधाउंदे होए की कह रहे हैं कि बुढ़ेपे विच होर की गल्लां मनुख दे नाल वरतदियां। कहिंदे फरीदा अखी देख पणीतियां ब्रिजी कहिंदे कि हुण जिहड़ी मेरी हालत है ओह बुढ़ेपे वाली हो चुकी है ते बुढ़ेपे तक पहुँचते हुए मनुख कहिंदे मेरियां जिहड़ियां अखां आ ओह इस संसार दे रंग तमाशे देख देख के मेरियां जिहड़ा जिहड़ियां अखां आ ओह इस संसार दियां चीज़ां नूं देख देख के जिहड़ियां हुण पक्कियां हो चुकियां हन जिहड़ियां पक चुकियां हन ते कहिंदे मैं इस संसार नूं जिहड़ा हुण पूर्ण तौर ते देख चुकिया हाँ मेरियां अखां इस संसार नूं देख देख के पक चुकियां हन ते इस संसार दे राग जिहड़े आ जिहड़े बोल आ इस संसार दे विच जो भी कहिंदे रंग तमाशे आ ते इस संसार दे सुरीले जिहड़े बोल आ कहिंदे राग सुरीले राग ते क्या रंग तमाशे जिहड़े आ ओह उन्हां बारे सुन सुन के हुण मेरे जिहड़े कन्न आ ओह भी बोले हो चुके हन। मेरिया अखां इस दुनियावी रंग तमाशियां नूं देख देख के जड़ियां पक गईयां हन पत्तियां पै चुकियां हन ते मेरे कन्न जिहड़े आ ओह इस संसार दे सुरीले राग जिहड़े आ ओह सुन सुन के हुण बोले हो चुके हन। साख पकेंदी आया कहिंदे हुण जिहड़ा मेरियां अखां ही नहीं मेरा जिहड़ा सारा शरीर है उसने अपना जिहड़ा रंग आ ओह बदल लिया है। साख पकेंदी आया कहिंदे हुण जिहड़ा मेरा शरीर है ओह बुढ़ेपे की अवस्था विच आ चुका है पक गया है बुढ़ेपे की अवस्था विच आ चुका है
ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੋ ਸੋ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੋ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੋ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੱਜਲ ਕੱਜਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਹਿਦਿਆਂ ਕੱਜਲ ਰੱਖ ਨਾ ਕੱਜਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਹਿਦਿਆਂ ਸਹਿਦਿਆਂ ਸੋ ਸੋ ਪੰਖੀ ਸੋ ਪੰਖੀ ਸੋ ਸੋਏ ਬਹਿਣ ਕੱਜਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਹਿਦਿਆਂ ਸਹਿ ਪੰਖੀ ਸੋਏ ਬਹਿਣ ਸਹਿ ਸਹਿ ਪੰਖੀ ਸੋਏ ਬਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਟ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੋ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਕੱਜਲ ਰੱਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨ ਲੋਇਨ ਲੋਇਨ ਮੈਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਮਲ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੜਕਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ
कहिंदे मरन तों बाद इन्हां अखां दे विच जिहड़े पंछी ही आ के अपना रैण बसेरा करदे हन। कहिंदे मरन तों बाद इस दुनिया इत्थों चले जाण तों बाद कहिंदे ओह अखां पंछियां दे आलणियां दे काम ही आउंदियां हन। सो इस विच इही कहिंदे हन कि शरीर जिहड़ा साडा ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਚਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੀ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਜਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕ ਆ ਕੰਜਲ ਦੀ ਰੜਕ ਵੀ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੈਠਣ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਾਕੂ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜਿੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ, ਤੈਨੂੰ
मिट्टी नूं निंदना नहीं चाहिदा। कहिंदे तूं मिट्टी नूं तैनूं जिहड़ा निंदना नहीं चाहिदा क्योंकि इस दे वर्गा इस मिट्टी दे वर्गा कोई भी नहीं है। इस मिट्टी दे वर्गा कोई नहीं है। यह मिट्टी जिउंदे इंसान दे तां पैरां दे हेठां हुंदी है। जिउंदे इंसान दे यह मिट्टी पैरां दे हेठां हुंदी है ते मरे मरण तो बाद उस दे जिहड़ी उपर आ उह आ जांदी है। सो ये कदे किसे दा जड़ा है बुरा नहीं करती ते तेनू भी जड़ा कदे किसे दा बुरा जड़ा नहीं करना चाहिदा। इस तो सिख्या लै लैनी चाहिदी है ते निम्रता दा सुभाव जड़ा धारण करके किसे दा बुरा नहीं करना चाहिदा, सब दा भला ही करना चाहिदा है। सो अज दी क्लास दे विच इन्ना ही जी। बाकी दे जड़े श्लोक आ ओ असी तुहाडी कल दी क्लास विच लैके हाजिर होवांगे। तद तक लिख पढ़ते रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद जी।